बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत 28 मई 2020 को कुल कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बता दें कि वाशी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 195 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 4। एपीएमसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 209 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 6। कोपेखैरने पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 392 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है सबसे अधिक 13। रबाले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से अब तक 307 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 5। रबाले MIDC के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से अब तक 111 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 3। सानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से अब तक 119 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 3। तुरभे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कुल 153 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 10। नेरुल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कुल 295 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 11। सिबड़ी बेलापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 0। NRI पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कुल 118 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 6। तो बढ़ते हैं पनवेल की तरफ। पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कुल 66 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 2। पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कुल 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 3। कलम्बोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से कुल 64 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 4। खारगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से 93 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 3। कामोठे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कुल 165 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 10। तलोजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कुल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 2। खानदेशवर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से 127 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 4। उरन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से 141 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 0। नावा शेवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 0। मोरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 0। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एज ग्रुप में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि मृतकों की संख्या क्या रही। सबसे पहले बढ़ते हैं 0 से 10 की एज ग्रुप में। कुल 138 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 0। 11 से 20 की एज ग्रुप में कुल 212 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 1। 21 से 30 की एज ग्रुप में कुल 641 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 2। 31 से 40 की एज ग्रुप में कुल 626 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 12। 41 से 50 की एज ग्रुप में कुल 489 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 19। 51 से 60 की एज ग्रुप में कुल 325 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 33। 61 से 70 की एज ग्रुप में कुल 137 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 14। 71 से 80 की एज ग्रुप में 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 5। 81 से 90 की एज ग्रुप में कुल 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 3। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो नवी मुंबई में कुल 1909 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, मृतकों की संख्या है 61। जबकि पनवेल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कुल 706 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं और मृतकों की संख्या है 28। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत नवी मुंबई और पनवेल मिलाकर अब तक 2704 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।